हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने लाई हूँ रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। हम पहुँच गए हैं रॉक गार्डन। यहाँ का ये पार्किंग एरिया है, जो कि काफ़ी बड़ा है, पेड पार्किंग है, तो आपको यहाँ पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रॉक गार्डन का टिकट काउंटर है। 30 रुपीज़ की अडल्ट की टिकट है और 10 रुपीज़ की चिल्ड्रन की टिकट है। इसके टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला होता है। रॉक गार्डन नेकचंद जी द्वारा बनाया गया है। चलो हम एंटर करते हैं अंदर। यहाँ से इसकी एंट्री है। हमने भी 30 रुपीज़ के 2 टिकट ले लिए थे। एंट्री के दरवाजे बहुत ही छोटे छोटे बनाए हैं। कहते हैं नेकचंद जी इस रॉक गार्डन को देवी देवताओं की नगरी मानते थे, यानी किंगडम ऑफ गॉड और गॉडेस। तो ये किसी भी पूजा स्थल की तरह आपको यहाँ पर भी हर द्वार से झुककर ही निकलना होगा। जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ का आर्ट स्कल्पचर, ये सब अर्बन वेस्ट से बना हुआ है। इसे इको फ्रेंडली गार्डन भी कहते हैं। जितने भी स्कल्पचर है, सब सिरामिक पॉट्स, टाइल्स, बॉटल्स, इलेक्ट्रिक वेस्ट से बनाए गए हैं। कितने ही सुंदर तरीके से, टूटी फूटी टाइल्स से। ये गार्डन 1957 में स्टेब्लिश हुआ था और जो टोटल 40 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन को बनाने में नेकचंद जी को बहुत टाइम लग गया था। कैसे पत्थरों को जोड़, रॉक को जोड़ जोड़ कर बनाया गया। अंदर आप अपना स्केच भी बना सकते हैं। ये 500 रुपीज़ पर हेड लेते हैं। जगह जगह पे पवेलियन बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये मैनमेड वाटरफॉल। इतना बड़ा झरना बनाया गया, यहाँ लोग आके बहुत इंजॉय करते हैं, अपनी पिक्स खिंचवाते हैं। उस समय भी नेकचंद जी ने ऐसा कैसे सोचा होगा कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ कर कितना सुंदर गार्डन क्रिएट किया है। विलेज की शेप दी गई है, हट्स बनी हुई हैं, जगह जगह पवेलियन बने हुए हैं, ओवरब्रिज हैं। देखने में कितने ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ ट्री का भी स्कल्पचर बनाया गया, जिसे आप दूर से देखेंगे तो ट्री आपको ट्री ही लगेगा, लेकिन आप उसको टच करेंगे तो वो सीमेंटेड है। आपको जब भी चंडीगढ़ आने का मौका मिले तो आप यहाँ जरूर आइएगा। आपको यहाँ आसपास की भी बहुत सी जगह घूमने की मिल जाएंगी। इसके रॉक गार्डन के पास ही सुखना लेक भी है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये दूसरी साइड से वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आप जितना चलते जाएंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। हम लोग चलते ही जा रहे हैं, बहुत ही गर्मी है। आप जब भी आएँ अपनी पानी की बॉटल्स लाएँ, क्योंकि बच्चे तो होते ही हैं साथ में। सर्दियों गर्मियों पानी की बॉटल्स जरूर लेके आएँ। और मैं आपको सलाह दूंगी तो आप स्पोर्ट्स शूज़ ही पहन के आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है। दूसरी साइड से रॉक
वाटरफॉल देखो और भी खूबसूरत लग रहा है। इसे रॉक गार्डन भी कहते हैं क्योंकि ये रॉक प्रोडक्ट से बना हुआ है। मैं तो जितना आपको बता रही हूँ, आप यहाँ आएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर है। इससे ये पता लगता है नेकचंद जी कितने बड़े नेचर लवर थे। फेस से सॉकेट्स होती हैं, उससे ये बनाया गया है। पुराने मटके से कितना ही खूबसूरत बनाया गया। सैल्यूट है नेकचंद जी को, बहुत ही खूबसूरत बनाया। कहा जाता है नेकचंद जी ने जब आसपास के सारे गांव से वेस्ट को इकट्ठा किया था, और ये काम वो बिल्कुल सीक्रेटली रात को किया करते थे जिससे किसी को पता ना लगे। जब तक लोगों को पता लगा तब तक वो 2000 स्कल्पचर बना चुके थे। वो इस काम को रात को इसलिए भी करते थे क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, दिन में वो जॉब करते थे। रात को वो ये अपना शौक, शुरू में उन्होंने शौक पूरा करने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा गार्डन क्रिएट कर दिया। जब तक अथॉरिटी को पता लगा तो अथॉरिटी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी, और उसको डिमोलिश करने के बारे में भी उन्होंने बात की, लेकिन उनके जानने वालों ने, लोकल लोगों ने नेकचंद जी को बहुत सपोर्ट किया। इस कारण से गवर्नमेंट और अथॉरिटी ने भी इनका सपोर्ट किया। बाद में तो गवर्नमेंट ने इस काम की उनको सैलरी भी दी। ऐसे वेस्ट सामान को उन्होंने यूज कर इतना सुंदर गार्डन क्रिएट किया। पुरानी टूटी फूटी टाइल से एक और वाटरफॉल है। इसके आसपास खड़े होने से बहुत अच्छा महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। बहुत ही उनका पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बाद में गवर्नमेंट ने उनको वर्कफोर्स भी दिया ताकि उनका काम पूरा हो सके। लाफिंग मिरर्स हैं, यहाँ बच्चे आके बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ आपको लाफिंग मिरर्स में अपनी अलग अलग शेप नजर आएंगी। कैंटीन बनी हुई है, चाय कॉफी ले सकते हैं। डॉल म्यूजियम, कैसे गांव की औरतें रहती हैं, आदमी रहते हैं, काइट्स कितना ब्यूटीफुल सजाया गया है काइट्स से, उनके घरों में सामान क्या होता है, एनिमल्स, औरतें बैठ के आपस में बातें कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है सचमुच किसी गांव में आ गए। आदमी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं जैसे पंचायत में करते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। चूड़ियों की दुकान, चूड़ियाँ खरीदती हैं, आपस में बातें करती हैं औरतें। चरखा का
दूध निकाल रही हैं गाय का। कुआं बनाया गया है, कुएं से लेती पानी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, जगह जगह छोटे छोटे एनिमल्स के। देखिए ये बारात का सीन है, आगे बैंड बाजे वाले, घोड़े पे दूल्हा बैठा है, पीछे बाराती हैं। बहुत ही सुंदर से अभी बैंड बाजे बज जाएंगे। गाय के उपले भी पड़े हैं गांव में, तो जगह जगह आप जाओगे तो उपले दिखेंगे आपको। ये औरतें और बच्चे गांव घरों की छतों पर बैठ के आनंद लेते हुए। कितने बड़े बड़े झूले लगे हैं, जैसे गांव में झूले लगते हैं तीज त्योहारों पे। बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं झूलों पे बैठ के। आप यहाँ आएंगे आपको और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप जब भी चंडीगढ़ आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगी मेरी वीडियो? थैंक यू सो मच।